भले ही देवापार को लेकर कानून हो, लेकिन देश के कई हिस्सों में आज भी लाखों लड़कियों का भाग्य है। आखिरकार वैशाल्य आए कहां से? इस बारे में कई तरह के विचार हैं, जिनमें से ज्यादा लोगों का यही कहना है कि पहले के समय में इन जगहों पर केवल नाच गाना हुआ करता था, जिसे कला की दृष्टि से देखा जाता था। पर समय बीता और कला की जगह इस अभिशाप ने ले ली। देश के कई हिस्सों में आज भी कई लड़कियां इस अभिशाप को भुगतने के लिए मजबूर हैं। आज आपको हम बताएंगे एशिया के सबसे मशहूर वैश्यालयों के नाम। कोलकाता का सोनागाछी, सोनागाछी मतलब सोने का पेड़। सोनागाछी स्लब में 18 साल से कम उम्र की करीब 12,000 लड़कियां देह व्यापार में शामिल हैं। 12 से 17 साल की उम्र में ये लड़कियां मर्दों के साथ सोना सीख जाती हैं। उन्हें खुश करना सीख जाती हैं, जिसके बदले उन्हें $2 यानी 124 रुपए मिलते हैं। इन रुपयों के बदले यहाँ की औरतें तस्तरी का खाना बनकर मर्दों की टेबल पर बिछ जाती हैं। इसे बदनसीबी कहना गलत होगा, क्योंकि यह उससे भी कई आगे है। जिस उम्र में माँ हमें दुनिया की रीति रिवाज लाज शर्म सिखाती है, वही यहाँ की बच्चियाँ खुद को बेचना सीखती हैं। कमाठीपुरा मुंबई। फैशन फिल्मों और बिजनेस का शहर माया नगरी मुंबई का एक इलाका कमाठीपुरा पूरी दुनिया का सबसे प्रमुख रेड लाइट एरिया में चर्चित है। इस एरिया का इतिहास 1795 में पुराने बॉम्बे के निर्माण से शुरू होता है। बताया जाता है इस इलाके के निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाली आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने यहां पर देह व्यापार का धंधा शुरू किया, और कुछ सालों में यानी 1880 में यह क्षेत्र अंग्रेजों के लिए ऐशगाह बन गया। कमाल की बात यह है कि आज भी देह व्यापार के लिए इस क्षेत्र को पूरे देश में बाखूबी जाना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक यहां करीब 2,00,000 सेक्स वर्कर का परिवार रहता है, जो पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। यहाँ लालच देकर लाई जाने वाली लड़कियों के साथ बेहद अमानवीय बर्ताव किया जाता है। बेहतर जीवन के नाम पर उनको नशे का इंजेक्शन देकर कैद किया जाता है। पुणे का बुधवार पेट स्थान भी देश के फेमस रेड लाइट एरिया में शुमार किया जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में नेपाली लड़कियाँ देह व्यापार में संलिप्त हैं। इन लड़कियों को बहला फुसला कर लाया जाता है और फिर देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता है। पहले लड़कियों की मजबूरियां रहती थी, लेकिन बाद में यह पेशे की शक्ल ले लेती है। हैरत तो इस बात की है, बुधवार के पेट पुणे के विश्व विख्यात डंगड़ू सेठ गणपति के निकट ही है, जो लोग देर से मंदिर दर्शन करने जाते हैं। लौटते वक्त मुख्य सड़क पर आपको अपनी और लुभाने वाली कई युवतियां मिल जाएंगी। मीरगंज मोहल्ला इलाहाबाद। मीरगंज मोहल्ला इलाहाबाद के सबसे पुराने बाजार चौक के एक कोने में मौजूद है। यहाँ बड़े स्तर पर गहनों का काम किया जाता है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ अंदर गलियों की तरफ अपना रुख करेंगे, आपको एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ आपको हर घर के दरवाजे पर खड़ी हुई लड़कियाँ और महिलाएं आपको अपनी तरफ बुलाती हैं। असल में यह एक देह व्यापार का दलदल है, जो यहाँ लगभग 150 सालों से देखने को मिल रहा है। पुरानी बातों से यह बात सामने आती है, आज जहाँ जिस्म का सौदा है, पहले वहाँ मुजरा हुआ करता था। यहाँ 4-5 मशहूर कोठे हुआ करते थे। यहाँ के लोग यह भी बताते हैं, यहाँ देह व्यापार का धंधा पूरी तरह अपने पैर जमा चुका है। गौरतलब है, देश में आज भी वैश्यवृत्ति गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद भी सामाजिक रूप से यह धंधा चल रहा है। यहाँ रोज अपने जिस्म का सौदा करने वाली महिलाओं का कहना है कि वे समाज में इज्जत से नहीं रह सकती, इस कारण वे यहाँ रहने को अब मजबूर हैं। जीबी रोड दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी है और देह व्यापार के लिए यहाँ जीबी रोड काफी विख्यात है। यह राजधानी का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है। हालांकि इसका नाम 1965 में बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया है, लेकिन आज भी लोग इसे जीबी रोड के नाम से ही पुकारते हैं। इस इलाके का भी अपना इतिहास है।
कहा जाता है यहाँ मुगल काल में कुछ 5 रेड लाइट एरिया यानी कोठे हुआ करते थे। अंग्रेजों के समय में इन 5 क्षेत्रों को एक साथ कर दिया गया और उसी समय इसका नाम जीवी रोड रखा गया। जानकारों के मुताबिक देह व्यापार का यहाँ सबसे बड़ा कारोबार होता है। नेपाल और बांग्लादेश से कम उम्र की लड़कियों को यहाँ लाकर देह व्यापार में झोंक दिया जाता है। यहाँ पर एक ही कमरे में कई केबिन बने हैं जहाँ एक साथ कई ग्राहकों को लड़कियाँ परोसी जाती हैं। यहाँ पर कई बार छापे भी पड़ते हैं और कई दिनों तक कामकाज धीमा हो जाता है, लेकिन बाद में एक बार फिर से जीवी रोड पर रंगीनियाँ लौट आती हैं। चतुर्भुज मुजफ्फरपुर। बिहार का मुजफ्फरपुर इलाका राज्य के सबसे बड़े रेड लाइट इलाकों में से एक है। बताया जाता है यहाँ उत्तरी बिहार सबसे बड़ा वैश्य बाजार है। नागपुर का गंगा जमुना। नागपुर को महाराष्ट्र की उपराजधानी माना जाता है। ये शहर देश का सबसे सुंदर शहर होने का तमगा भी हासिल कर चुका है, लेकिन इसी सुंदर शहर में खूबसूरत लड़कियां आपको जिस्म का सौदा करते हुए मिल जाएंगी। नागपुर में जिस्म फरोशी का ठिकाना है। गंगा जमुना इलाके में न सिर्फ जिस्म का सौदा होता है बल्कि यह इलाका कई तरह के अपराधों का अड्डा भी बना हुआ है।